सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना पूरा DIY क्राफ्ट कलेक्शन। इससे पहले कि प्यारी सी वीडियो स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये प्यारी सी इमोजी नोटबुक बहुत ही क्यूट सी थी, एंड ये है बुकमार्क, पेंसिल बुकमार्क। तो चलिए और देखते हैं। एंड यहाँ पर है मेरे पास ये आइसक्रीम नोटबुक, इन सब पे आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो बहुत ही क्यूट सी थी। एंड ये वाली है आइसक्रीम नोटबुक, जो कि मिनी आइसक्रीम नोटबुक है, बट छोटू सी है, आप इसमें कुछ भी नोट्स वगैरह लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी है आइसक्रीम नोटबुक, जो कि थोड़ी बिग साइज़ में है, ये भी प्यारी सी नोटबुक है। एंड यहाँ पर ये मिनी जर्नल, ये मैंने ब्लिंकिट के बैग से बनाई थी, वेस्ट बैग था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है कवाई नोटबुक, ये भी थोड़ी बिग साइज़ की, ये सारी नोटबुक्स का कलेक्शन है। एंड यहाँ पर है ये नेम स्लिप, जो कि आप स्कूल्स वगैरह बुक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो, तो ये नेम स्लिप था। एंड ये है नैनो टेप बुकमार्क, जो कि थोड़ा स्टिकी स्टिकी है। एंड नेक्स्ट है ये हमारी वायरल सैंडविच नोटबुक, बहुत वायरल गई थी गाइज ये, तो ये प्यारी सी सैंडविच नोटबुक। कौन कौन ट्राई किया था कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड ये है मदर्स डे का गिफ्ट, एंड ये बारबी नोटबुक, ये रिसेंटली मैंने बनाया है, आपने देखा होगा। तो ये बारबी नोटबुक जो कि मरमेड शेप की थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये प्यारी सी वॉल हैंगिंग, जो कि वेस्ट आइसक्रीम स्टिक से बनी है। एंड ये है बुकमार्क, फेदर बुकमार्क। एंड ये है BTS की चेन, मोल्डेड क्ले से बना है ये। एंड ये भी है रेनबो बुकमार्क। मैंने बुकमार्क्स बहुत बनाए गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कमेंट भी किया था कि आप हमेशा बुकमार्क बनाते हो, बट गाइज मुझे बहुत पसंद है। ये थी मोबाइल नोटबुक, एंड ये वाली स्टोन जो हमने स्टोन पे पेंटिंग की थी, एंड ये क्ले बॉल। यहाँ पर ये प्यारी सी पेंगुइन, जो कि वेस्ट एक कार्टून से बना हुआ है। एंड ये हमारा प्यारा सपोस का मार्कर, ये भी वायरल हुआ था गाइज। एंड ये मॉम के लिए गिफ्ट, मॉम आई लव यू, ये वाली गिफ्ट बहुत प्यारी सी गिफ्ट है। एंड ये है जिसो फ्लावरिंग, जो कि मैंने 3D पेन से बनाई थी। एंड नेक्स्ट है ये प्लास्टिक बॉटल पे मैंने पेंट की थी, एंड ये ग्लास बॉटल है, दोनों ही बॉटल ग्लास एंड प्लास्टिक, तो दोनों ही काफ़ी प्यारी सी बॉटल है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आप कमेंट करके बताना सबसे अच्छा DIY आपको क्या लगा, ठीक है, लास्ट में बताना। तो चलिए अब ये देख लेते हैं, ये कलरिंग नोटबुक मैंने बनाई थी, जो कि वेस्ट केक बॉक्स से बनी है, केक बॉक्स होता है ना ब्लैक कलर का, तो उससे ही बनाया हुआ है ये कट करके, एंड कुछ इमेजेस यूज़ करके। तो ये भी प्यारी सी कलरिंग नोटबुक, एंड ये मैंने पेंटिंग किया हुआ था। एंड ये हमारा होममेड वाशी टेप्स, ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ से डबल साइडेड टेप लगा हुआ है। कुछ कुछ DIYs बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, मनी सेविंग है। देखिए जैसे ये भी होममेड कैनवस है, कैनवस बोर्ड आपको पता है बहुत महंगे आते हैं। एंड ये वाला ये पापा के लिए गिफ्ट थी, जो कि रियल रोज से बना हुआ था। एंड ये हमारा प्यारा सा वायरल स्टिकर, जो कि ब्लिंकिट बैग से बना हुआ है, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है, फ़ोटो मुझे भेजा है सब ने, तो ये काफ़ी क्यूट सा, बहुत लोगों ने कमेंट किया इसमें कलर कर लो, बट मुझे लगता है इसमें कलर करने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं ट्राई करके आपको बताऊँगी। तो ये मैंने इसमें बैग में अच्छे से रखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड का कार्ड है, जो कि मैंने किसी को नहीं दिया है। एंड नेक्स्ट है ये कार्डबोर्ड पर पेंटिंग की थी मैंने, ये भी बेस्ट फ्रेंड के लिए कार्ड है, वो भी मैंने किसी को नहीं दिया, ये रखा हुआ है मेरे पास बस ऐसे ही, मुझे मतलब अपने हैंडमेड क्रिएशन संभाल के रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये हमारा होममेड स्टैम्प, इस पर भी शॉर्ट वीडियो थी, बहुत लोगों ने ट्राई किया, इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये पेपर प्लेट पे हमने पेंटिंग की थी। एंड ये वाला कार्ड बहुत ही अच्छा है, मैजिकल कार्ड है, देखिए इसमें डबल मैसेज है, इस तरफ एक मैसेज एंड अंदर की तरफ एक मैसेज, देखिए इस तरीके से आपको स्लाइड करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ये मैंने बहुत पहले बनाया बट अभी तक इतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है इसे। एंड ये बॉल जो हम यहाँ से एयर ब्लो करोगे तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। एंड ये कुछ क्ले क्रिएशंस है, क्ले डॉल्स है, एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पेंसिल टॉपर है, बट क्ले क्रिएशंस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर उसे आप अच्छे से ना रखो तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर मेरे पास अच्छे से रखी हुई थी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये लूडो की गोटी जो है, लूडो बोर्ड भी है मेरे पास, वो आपको भी दिखाऊंगी। एंड ये प्यारा सा गेम, जो कि यहाँ पर बीड्स डाल के खेलते हैं, इस पर भी आपने शॉर्ट वीडियो देखा है। एंड ये हमारा होममेड लूडो बोर्ड, ये सब कुछ बिग क्रिएशंस हैं, तो मुझे कैमरा ऊपर की तरफ करना पड़ा ये। एंड ये देखिए समर एक्टिविटी किट है, किट बहुत सारी है मेरे पास, तो फिलहाल मैं आपको एक यहाँ पर दिखा रही हूँ, समर एक्टिविटी किट, जो कि काफ़ी बड़ी है। एंड तो इसे भी हमने यूज़ किया था, बहुत सारी चीज़ें बनाए थे। एंड ये है एग्ज़ीरो, जो गेम खेलते हैं हम, वो बहुत अच्छा सा बैग में गेम है, देखिए आप खेल सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर बैग के ऊपर बना हुआ है। एंड जब आपका खेल के हो जाएगा तो आप फिर जो ये चीज़ें इसमें बैग के अंदर अच्छे से सेफली से रख सकते हो, तो बेसिकली ये ट्रैवलिंग में भी बहुत काम आ सकता है।
तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये फ्लूड आर्ट मैंने की थी, ये भी इसमें बहुत मज़ा आया था। एंड नेक्स्ट ये फादर्स डे का कार्ड है, देखिए ये बहुत प्यारा सा कार्ड है। नेक्स्ट ये बबल रैप से हमने पेंटिंग की थी। ये मैथ्स प्रैक्टिस बुक, बट इसमें कुछ भी मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं है, डूडलिंग किया हुआ है। नेक्स्ट है ट्विंटैक ब्लैक पिंक स्टिकर बुक, 1000 स्टिकर बुक ख़त्म हो चुकी है बुरी तरीके से, तो वो आपको दिखा नहीं सकती। यहाँ पर है बारबी स्टिकर बुक, कुछ कुछ जो चीज़ें बची है वो दिखा रही हूँ। लिपन आर्ट, ये भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया गाइस, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना। कुछ यहाँ पर आर्ट वर्क्स भी हैं, बाकी इतनी चीज़ें बची हुई है, कुछ कुछ चीज़ें ख़राब हो गई गाइस जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो इतनी सारी फिर भी हो गई, तो चलिए इसीलिए मैंने सोची वीडियो बना के आपको दिखा दूँ। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको कमेंट करके बताना। ये तो सबसे अच्छा वो होममेड लूडो बोर्ड लगा यार। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना सारी मेहनत है ये सारे DIY के पीछे, तो यार आज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बहुत खुशी होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चलिए मिलते हैं फिर। Bye.